हेलो फ्रेंड्स, जो आज केस करने जा रहे हैं वो 23 ईयर ओल्ड गर्ल है, लेकिन उसके पेट में इतनी बड़ी गांठ बन गई है जो कैंसर की हो सकती है। पेशेंट हमारे पास पेट में दर्द लेकर आई थी और उसके पास पहले से सोनोग्राफी थी। सोनोग्राफी में उसमें ओवरी के अंदर बहुत बड़ा ट्यूमर बताया हुआ था और उसको कम से कम 1-1.5 साल पहले से पता है, लेकिन वो उसको ऑपरेट नहीं करवा रही थी और उसको टाले जा रही थी, जिसकी वजह से अब इसका साइज काफी बढ़ गया है। उसमें 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मिलाकर 13 से 15 सेंटीमीटर की गांठ बन चुकी है और अब उसको खाने पीने में तकलीफ हो रही है। उसका वजन भी काफी घट चुका है और उसको उल्टियां भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब कंडीशन थोड़ी सीरियस हो गई है और इसके जो हमने कैंसर के मार्कर जो कराते हैं, ब्लड के अंदर टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि किसी की कोई सी भी गांठ के अंदर कैंसर होने की संभावना कितनी है, तो उसके 2 ट्यूमर मार्कर काफी ज्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं, जिससे कि हमें ये शक है कि इस गांठ के अंदर कैंसर होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग उसकी ओवरी बचाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यदि ओवरी बचाते हैं और केवल गांठ निकालते हैं तो कैंसर का पेट के अंदर फैलने का खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी पूरी ओवरी निकालने का डिसीजन लिया गया है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ओवरी रहेगी, लेकिन एक ट्यूब और एक ओवरी से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन आप लोगों को जो इस केस से सीख लेनी है, समझ लेनी है, वो ये है कि यदि आपके पेट में भी किसी प्रकार की कोई भी गांठ बताई गई है तो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल गांठ हो, कैंसर की गांठ हो सकती है। तो उसको पाले पोसे नहीं, बड़ा नहीं करें, अपनी बीमारी को आगे ना बढ़ाएं और उसका तुरंत इलाज करवा लीजिए। क्योंकि कोई भी गांठ कैंसर है या नहीं है, जब तक उसकी सर्जरी होके उसकी बायोप्सी नहीं होगी तब तक हम एक क्लियर नहीं कह सकते 100% तरीके से कि ये नॉर्मल गांठ है या कैंसर की गांठ है। दूसरी जो सीख लेनी है वो आपको हर साल अपनी एक सोनोग्राफी जरूर करवानी है, क्योंकि जब तक आप अपने पेट की सोनोग्राफी नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेट के अंदर क्या बीमारी बन रही है। और कई बार बीमारी इतनी घातक होती है कि वो आपकी जानलेवा साबित हो जाती है और आपको बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं और उसका आगे इलाज भी कई बार संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आप लैंड अप ना करिए और अपना इलाज और जाँच टाइम पर करवा लीजिए। थैंक यू।